हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रीति डायरी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी ब्रेस्ट को टाइट करने का एक बहुत ही कारगर नुस्खा। जी हाँ दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि जिन गर्ल्स के या वुमेंस के ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं या फिर ब्रेस्ट फीड कराती हैं जो महिलाएँ, उनके जो ब्रेस्ट हैं वो सैगिंग होने लग जाते हैं, बहुत जल्दी लटकने लग जाते हैं। तो ब्रेस्ट को टाइट करने का एक बहुत ही कारगर नुस्खा आज मैं आपको लोगों के साथ शेयर करूँगी। वैसे तो मैं आपको तीन नुस्खे बताऊंगी, इसमें से जो भी आपको आसान लगे वही ट्राई कर सकते हैं। अक्सर जिन महिलाओं के ब्रेस्ट लटके हुए होते हैं तो उनमें क्या होता है कि उनका जो कॉन्फिडेंस है वो भी कम हो जाता है और उनके जो मतलब खूबसूरती है उसमें भी कमी आ जाती है। तो अब ऐसा आपको इसके लिए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सैड होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये नुस्खा आजमाइए और अपने ब्रेस्ट को टाइट कीजिए, सुंदर और सुडौल बनाइए अपने ब्रेस्ट को इन आसान नुस्खों से। तो वो आसान नुस्खे क्या हैं, ये इन तीनों में से कोई सा भी आप ट्राई करेंगे तो बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा ये। हाँ, जो सबसे इफ़ेक्टिव और सबसे नंबर वन पे आता है वो है एलम्स। जी हाँ, क्या करना है आपको, एलम्स लेना है। एलम्स मतलब फिटकरी, फिटकरी आपको लेनी है। टुकड़े में आती है, पीस में आती है, पाउडर फॉर्म में भी आती है, लेकिन आपको उसका फिटकरी का टुकड़ा लेना है और नहाने से 10 मिनट पहले क्या करना है, अपने ब्रेस्ट पर मसाज कीजिए उस फिटकरी से। मसाज आपको सर्कुलर मोशन में देना है, नीचे से अपर साइड की तरफ आपको मसाज देनी है ब्रेस्ट को। इससे आप देखेंगे आपके ब्रेस्ट जो हैं बहुत ही इजीली और बहुत ही जल्दी टाइट हो जाएंगे। सेकंड जो नुस्खा है वो है, आपको लेना है बर्फ़। बर्फ़ की आइस क्यूब, जैसे आइस क्यूब आप फ्रिज में भी जमा सकते हो, तो क्या करना है आपको, आइस क्यूब लेनी है और आइस क्यूब को जो है नहाने से 10 मिनट पहले अपने ब्रेस्ट पर मसाज देनी है। इसे आप कभी भी कर सकते हो, किसी भी टाइम कर सकते हो, जब भी आपको आसान लगे, जब भी आपको मतलब कर सके उसी टाइम आप कर लीजिए। तो क्या करना है, 10 मिनट तक आपको मसाज करनी है आइस क्यूब से और करने के बाद जो है ऐसे ही छोड़ देना है। आप देखेंगे आपका ब्रेस्ट इतना टाइट होने लगेगा और इसे लगातार आपको 15 दिन करने हैं, आप खुद देख पाएंगे रिजल्ट, आप करके देखिए एक बार। तीसरा जो नुस्खा है वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा यदि आपके घर में नेचुरल है तो हम नेचुरल एलोवेरा ले सकते हैं, अगर नहीं तो मार्केट वाला भी आप यूज कर सकते हैं। तो क्या करना है, मार्केट वाला उतना ज़्यादा असरदार नहीं होता है जितना कि आपका नेचुरल एलोवेरा होता है। तो क्या करना है, एलोवेरा लेना है और अपने ब्रेस्ट पर अच्छे से मसाज देनी है, जो मतलब डाउन से अपर की तरफ, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ अच्छे से मसाज देनी है। इससे आप देख पाएंगे आपके ब्रेस्ट जो इतना अच्छे से टाइट हो जाएंगे कि आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे। तो ये नुस्खा आप ज़रूर अपनाइए, अपने लूज ब्रेस्ट को टाइट कीजिए। यदि ये नुस्खा कारगर लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनी जो भी जितनी भी फ्रेंड्स, फीमेल फ्रेंड्स होंगी उनके साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा।